तो सभी को हरहर महादेव और स्वागत करता हूँ मैं एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल गेल के ध्रुव पर। और मेरा नाम है ध्रुव। तो गए जैसा कि आपको पता है कि पिछले व्लॉग में हम ऋषिकेश थे और अब हम आ गए हैं हरिद्वार। और अभी टाइम जो है रात के 10 बज रहे हैं और रात के 10 बजे हरिद्वार हर की पौड़ी का माहौल कुछ ऐसा है। ये देखिए भाई, चारों तरफ जो है भीड़ ही भीड़ है। लग भी नहीं रहा है कि रात का इतना टाइम हो रहा है। और ये देखिए आप लोग कितनी ज़्यादा भीड़ है। और मैं आ चुका हूँ गंगा जी में नहाने के लिए तैयार। और अब हम चलते हैं गंगा जी में नहाएंगे। अपने शुभम भोले देखो मेरे, वो तो पहले ही गंगा जी में घुसे हुए हैं। ये देखिए भाई, एक फोटो तो क्लिक कर दिया। और देखिए भाई, शुभम भोले अपने जो है नहाने के लिए गंगा जी में चले गए हैं। अभी मैं भी नहाता हूँ और उसके बाद वापस बाहर आके जब आपसे दोबारा मिलूँगा। तो भैया, मैं गंगा जी में नहा लिया हूँ और स्नान करके अब जाकर हम पवित्र हुए हैं। और ठंडक मिली है बहुत ज़्यादा, क्योंकि सफ़र कर रहे थे, ऋषिकेश से आए थे और थक गए थे। अब जाकर जो है आराम मिला है। अब इस वक्त टाइम जो है 11 बज चुके हैं और 11 बजे देखिए भाई, जो हर की पौड़ी का रात का सीन है वो अभी भी जू का तू ही है। भीड़ भी बिल्कुल पूरी की पूरी है। लग भी नहीं रहा कि रात के 11 बज रहे हैं यहाँ पर। और देखिए चार, बहुत कुछ दिखाते हैं, दिखाऊँगा आपको भाई वीडियो में। वो देखिए आप सामने, वो जो पुल है उस वाले में देखिए किस तरीके से लाइटिंग चल रही है। और आज जो है कावड़ तोड़ ले रही है। यार चलती है यार, दो बोतल ले ले यार। अब देखिए भाई आप लोग रात का व्यू, वो देखिए सामने पुल पे लाइटिंग देखिए आप कितनी मस्त चल रही है भाई। ये देखिए कैसे जो है ये पुल पे लाइटिंग की गई है और कैसे जो है लाइटें ये जो है कलर चेंज कर रही हैं। और वो खड़े हैं देखो सामने अपने महादेव। अभी रात का टाइम हो रहा है, ज़्यादा दूर का दिखाई नहीं दे रहा होगा ढंग से। और घूमते घूमते मैं आगे आ गया हूँ पुल पे। आज जो है इस टाइम कावड़ नहीं उठ रही, क्योंकि जब कल परसों भी कावड़ उठी है यहाँ से 101 लीटर हिमांशु त्यागी भोले ने उठाई थी। और कल भी उठी थी एक कावड़ पिंजौर वाले भोले ने उठाई थी, लेकिन अभी तो कोई कावड़ नहीं उठ रही है। हम तो यहीं हैं हर की पौड़ी पे भाई। मैं सोच रहा था कोई भोला अगर कावड़ उठा रहा है। धीरे धीरे मैं तो आ गया हूँ पुल के ऊपर और पुल के ऊपर से आपको रात का व्यू दिखाऊंगा हरिद्वार का कि कैसा आ रहा है। देखो ये देखो, ऊपर जा रहे हैं हम ऊपर और रात के 11 बज रहे हैं। यहाँ से थोड़ी देर बाद हम चलेंगे घर जाने के लिए वापस। और फिर रास्ते में आपको मैं भोलों से भी मिल पाऊँगा जो अपने भोलों ने जल उठाया है, हिमांशु त्यागी और सुमित गुरु जी जो उनके साथ हैं, उनसे भी देखता हूँ अगर मिले तो रास्ते में कवर करने की कोशिश करूँगा पूरी। और वह भी आपको कवर करके दिखाऊँगा वीडियो के अंदर। अब अभी वो सामने का व्यू देखिए भाई, क्या ही आ रहा है। ये देखिए और वो खड़े हैं भाई अपने महादेव। तो भाई ये नज़ारा है कुछ रात का हरिद्वार का। ये देखिए आप, अभी तो मैं पुल पे हूँ ऊपर, ये बह रही है अपनी गंगा मैया। और भैया अपने हरिद्वार की अपनी जो कांवड़ यात्रा 2024 की है वो तो शुरू होने वाली है जुलाई, अगले महीने शुरू हो जाएगी कावड़। और कावड़ के टाइम तो भैया अलग ही रौनक रहती है हरिद्वार में, ये तो आप सभी को पता ही है भाई। अभी देखो कैसे खाली पड़ा है, लेकिन सावन के टाइम पे तो यहाँ पैर रखने जगह नहीं होती, क्योंकि करोड़ों की संख्या में जो है कावड़ यात्री जो है जल उठाते हैं। और अब की बार भैया हम भी जो है कावड़ यात्रा में जल लेकर आ रहे हैं। पिछली बार भी लेकर आए थे, हम पिछली बार लेकर आए थे 121 लीटर। और अब की बार जो अपना जल आ रहा है हर की पौड़ी से, हम जो उठाएंगे वो उठाने वाले हैं 101 लीटर गंगा जल। और भाई उस चीज़ को भी मैं कवर करूँगा, मैंने पिछली वीडियो डाली थी उसमें मैंने ब्लॉग डाला था पिछले सावन का जब हमने गंगा जल उठाया था। और अब की बार जो 101 लीटर हम गंगा जल उठाएंगे उसका भी प्रॉपर मैं आपको ब्लॉग दूंगा। और अब की बार का जो थोड़ा है वो कुछ खास होने वाला है, क्योंकि हम डीजे वगैरह के साथ चलेंगे, तो मतलब अब जो एक्साइटमेंट लेवल है वो थोड़ा अलग ही हो जाएगा। और ये देखिए जितना बताऊं भैया उतना ही कम है, यहाँ तो भोले की नगरी है भैया, अलग ही मज़ा है, अलग ही मज़ा। ये लो भाई,
भोले इतना घोटो तेरी बात। लो भाई अभी चलते हैं अपने भाइयों के पास वापस से लोकेशन पर। वो बैठे हुए मेरे इंतजार में कि मैं कब आऊंगा, क्योंकि मैं अकेला घूमता फिर रहा हूँ। बेचारे बैठे हुए तुम्हें बात कर रहे हैं के लिए। आज कावड़ नहीं उठी हर की बोली से, मैं तो पिछले दो दिनों से लगातार कावड़ उठी है 131 लीटर की और 151 लीटर की। ये देखो जरा ये रे ये अपने बोले हैं भाई, वो शंकर भगवान की जय। जय बाबा की, जय बाबा की, हर महादेव। अरे देखो रात का व्यू। रुक जाओ भाई चलते हैं आगे तक ही, आगे तक ही लेकर चलते हैं। ये देखिए नाइट व्यू हर की पौड़ी का। और भैया बने रहना आपकी अब की बार कावड़ यात्रा। तो देखो क्या तो घूम रहे नंगे नंगे। तो भैया आपकी बार बने रहना हमारे YouTube चैनल पर, क्योंकि कावड़ यात्रा की जो सारी अपडेट है वो मैं आपकी बार कवर करने वाला हूँ। जो डीजे वगैरह डीजे के ब्लॉग होंगे, सार्जेंट डीजे वगैरह, वो सब मैं जो है जो सार्जेंट डीजे का ब्लॉग होगा मतलब टेस्टिंग साउंड वगैरह सब मैं कवर करने वाला हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। चैनल को आप जो है ना सब्सक्राइब वगैरह कर लेना। थोड़ा गला सा बैठ रहा है इसलिए रात का आवाज़ भी ना निकल रही। ये देखिए भाई ये है मेन हर की पौड़ी। अभी कोई कावड़ ही ना उठ रही यहाँ से। देखो भाई मैं सोच रहा था कोई कावड़ वगैरह उठ रही हो गई तो वो भी मैं आप लोगों को कवर करके दिखा देता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पिछली बार भाई अपने अपना जल जो था 121 लीटर जो था वो हमने यहाँ से उठाया था, और अब की बार भी भैया यहीं से उठाएंगे, क्योंकि हम अपना जल जो है 121 लीटर वो भी यहीं से भरेंगे। और फिर भाई ये पहाड़ जीना पार करते हुए हम जाएंगे आगे अपने शहर की मुजफ्फरनगर की ओर। तो देखिए रौनक देखिए कितनी ज़्यादा हो रखी है रात के टाइम हर की पौड़ी पर भी। तो चलते हैं वापस, और मैं अब नेक्स्ट व्लॉग बनाऊंगा जिसमें मैं कवर करूंगा कावड़ यात्रा, जो ये कलश कावड़ आ रही है अपनी, जिसमें अपना हिमांशु त्यागी जो भोले हैं वो लेकर आ रहे हैं, और आकाश त्यागी भोले जो मुजफ्फरनगर ही पहुँचने वाले हैं लगभग, उनका भी जो ब्लॉग है वो मैं कवर करूंगा आप लोगों को दिखाऊंगा। तो देखिए अभी हमें इस वक्त रुड़की से आगे मंगलोर की तरफ, तो हमें रास्ते में मिले हैं भोले जिन्होंने जल उठाया हुआ है जो कि दिल्ली से है, और दो कावड़न भोलों की जिनकी एक है 121 लीटर की और एक है 131 लीटर की। तो चलिए उन भोलों के पास चलते हैं। इस व्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ, मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।